अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन कटलेट। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दो पाव को हम भिगा लेंगे 5 मिनट के लिए। ताकि ये पाव अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसको हमको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही मिनट भिगाना है ताकि एकदम ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। फिर इसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे, दोनों हाथों से दबा दबा के। फिर इसको डाल देना है पाव में, पानी ज़रा भी नहीं रखना है, अच्छे से निकाल देंगे। फिर अब हम डालेंगे इसमें कोथमीर और ये है पुदीना। कोथमीर पुदीना अच्छे से डालना है। फिर इसमें डालेंगे हम हल्दी, फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर उसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला एवरेस्ट का, फिर लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स, लास्ट में डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक डब्बा, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर का बुक्का कुछ इस तरीके से, ताकि हमारे ये कटलेट उसमें टूटे ना और अच्छे से बैठ जाए। तो मैं इसको करने वाली हूँ फ्रीज़र, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फटक से इसको निकाल के रेडी कर सकूँ या तल सकूँ। फिर हमको थोड़ा थोड़ा लेना है इसको, बटर का बुका रखेंगे नीचे, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। आप चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बनाई हूँ अभी, इसको अच्छे से गोल शेप दे देना। कुछ इस तरीके से हम सारे करके ऐसे ही बना के इसमें आराम से रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अलग अलग डब्बों में रखी हूँ, और मैं आपको इसको तल के बताती हूँ। एक अंडा ले लेना है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अपने हिसाब से डाल लेना आप। अच्छे से फेटेंगे, फिर उसके बाद में दो चम्मच डालेंगे इसमें तेल।
फिर हम उसके अंदर डालेंगे कटलेट्स को अच्छे से डाल के डिप कर देंगे। इसी तरीके से सारे की करके फ्राई कर लेना है। इसको फास्ट करके नहीं तलेंगे, इसको सिर्फ स्लो पे ही तलना है क्योंकि ये हमारा गोश है, ताकि वो अच्छे से गल जाए, मतलब अच्छे से पक जाए, तो इसीलिए कुछ स्लो पे ही हम तलेंगे, फास्ट पे नहीं तलेंगे। इसको अच्छा फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा कबाब फ्राई हो चुका है। ये हमारा कटलेट बनके रेडी है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।